दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो में तीन बड़ी खबरें आप लोगों को बताने वाला हूं, तो चलिए देखते कौन बड़ी खबरें हैं तीन। तो दोस्तों आप सभी की परीक्षा से संबंधित तीन बड़ी खबर निकल के आ रही, जो कि इस वीडियो में हम एक एक करके तीनों बड़ी खबरें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे जिससे आप लोग को पूरी और सही जानकारी मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो को पूरा नहीं देख रहे और उनको आधी अधूरी जानकारी मिलती है और बाद में बोलते हैं कि सर समझ में नहीं आया। तो इसलिए बोलता हूँ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को पूरी और सही जानकारी मिल सके। और ये सब मैं जानकारी जो भी बड़ी खबरें आप लोगों को बताने वाला हूँ ये प्रूफ के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप मिल जाएगा और उसी पे मैं तीनों बड़ी खबरें डाल दूंगा, तो आप लोग को प्रूफ भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, ओके। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। और हम पहले बात करते हैं, पहली जो बड़ी खबर ये है कि गवर्नर्स कमेटी फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन आस्क स्टूडेंट यूनियन फॉर सर्वे फाइंडिंग, यानी कि यूनिवर्सिटी के माध्यम से एग्जामिनेशन एग्जाम को लेकर सभी स्टूडेंट के ओपिनियन यानी कि सर्वे किए गए हैं, जिसमें स्टूडेंट का ओपिनियन या उनके विचार लिए गए हैं। जैसा कि प्रमोशन के बारे में ले लेते हैं, हम बात करते हैं, तो जैसे प्रमोशन यूनिवर्सिटी कर रही है सभी स्टूडेंट का, तो बहुत सारे स्टूडेंट के उसमें से क्या डिसीजन आते हैं उनकी ओपिनियन लेना ज़रूरी है, जिससे बाद में ये कहने का चांस ना मिले स्टूडेंट को कि हमें तो एग्ज़ाम देना था, आप लोगों ने एग्ज़ाम लिया नहीं, यूनिवर्सिटी को बोल सकते हैं ऐसा। तो इसलिए सर्वे किया है यूनिवर्सिटी ने और उसमें क्या निर्णय आया है उसके बारे में हम बात करते हैं। आगे इसमें लिखा है, तो जो सर्वे किया गया स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं सबसे ज़्यादा उसमें क्या आया हम आपको बता दें कि वे जल्द ही निर्णय लेना चाहते हैं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटी वो जल्द ही निर्णय लेना चाहती है कि उन्होंने 23 अप्रैल को UGC अधिकारियों को एक लिखित अनुरोध भी दिया था जिसमें कहा गया था कि इस वर्ष परीक्षाओं को रद्द कर दे और पिछले वर्ष के परिणामों और इस वर्ष की आंतरिक परीक्षा के अनुसार परिणाम घोषित कर दें। ये सब इंग्लिश में लिखा, फिलहाल मैं ट्रांसलेट कर लिया इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ। ठीक है, आंतरिक परीक्षाओं के अनुसार परिणाम घोषित करें। UGC ने उनके दिशा निर्देश में भी ये सुझाव दिया है कि उनके सर्वेक्षण के अनुसार 83% छात्र चाहते हैं कि परीक्षाओं को समाप्त कर दिया जाए। यानी कि जो सर्वे किया गया है आप लोग देख पा रहे होंगे, सर्वे में 83% स्टूडेंट का कहना ये है कि हमें बिना परीक्षाओं के पास कर दिया जाए जिससे हमें राहत मिल सके और अगले साल की पढ़ाई पे हम अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। प्रत्येक छात्र और हर छात्र को ऑनलाइन परीक्षा कराना संभवित नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जो स्टूडेंट का सर्वे हुआ उसमें 83% स्टूडेंट ने ये बोला है कि बिना परीक्षा के प्रणोद कर दिया जाए। उसके बाद इसमें क्या बताया गया हम आप लोगों को बताते हैं, ऐसे में हम राज्य समिति से छात्रों की कठिनाइयों पर विचार करने का अनुरोध करते हैं। उनकी रिपोर्ट यह भी कहती है कि राज्य भर में 52% छात्र ने कहा कि उन्हें अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कोई ऑनलाइन कक्षाएं नहीं मिली, तो ऑनलाइन कक्षाएं कहां पॉसिबल हो पाएंगी। तो 83% स्टूडेंट ने ये बोला है कि उन्हें बिना परीक्षा के प्रणोद किया जाए। तो आई होप अब इसका फाइनल डिसीजन क्या आता है ये आप लोगों को हम जैसे भी गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नर के द्वारा डिसीजन लिया जाता है हम आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के जरिए जरूर इन्फॉर्मेशन करेंगे। फिलहाल प्रणोद करने की 90% चांस हैं क्योंकि जिस भी एरिया में ये कोरोना का इफेक्ट ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस है पास करने का। चलिए हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों दूसरी बड़ी खबर ये है कि विश्वविद्यालय से स्कूल तक के सभी कोर्सों में होगी कटौती। देखो ये ऑफिशियल सूचना आई है, अभी आई है, आज ही की है, आप लोग खुद ही प्रूफ देख लीजिएगा। इसमें ये बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के जितने भी कोर्स हैं या स्कूल के कोर्स हैं उसमें कटौती की जाएगी। 30 से 40% तक कम का प्रस्ताव, यानी कि 30 से 40% कोर्स में कटौती हो सकती है। तो इसके बारे में डीप में पढ़ा, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बेशक पढ़ सकते हैं। इसका मैं जो ये पूरा है कैप्चर करके मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर ये आ रही है भोपाल से आ रही, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने COVID-19 के दिशा निर्देशों के अनुसार परीक्षाओं की योजना बनाने और राज्य के विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर तैयार करने के लिए 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। राज्यपाल ने सचिव मनोहर दुबे ने शुक्रवार को बताया कि राज्यपाल टंडन ने विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के कार्यक्रम निर्धारण और अकेडमिक कैलेंडर के पुनर्नियोजित करने की आवश्यकता जताते हुए COVID-19 के दिशा निर्देश के तहत परीक्षाओं का कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ठीक है, इसके लिए 6 सदस्यों उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि जीवाजी विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता शुक्ला ने समिति का संयोजक बनाया गया है। समिति में 5 कुलपति और उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि को शामिल किया गया। समिति को आगामी 8 मई तक प्रति
आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया। दुबे ने बताया कि समिति द्वारा समस्त आयुर्वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और कृषि विश्वविद्यालय के साथ चर्चा परीक्षा कार्यक्रम एवं अकेडमिक कैलेंडर तैयार किया जाए। अकेडमिक तैयार ये भोपाल यूनिवर्सिटी की बात हो रही मध्य प्रदेश के बारे में, तो वहाँ पर शायद ये अकेडमिक कैलेंडर अभी तैयार नहीं हुआ था, उसके बारे में बताया जा रहा है कि जल्द ही एकेडमिक कैलेंडर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जो भी वहाँ के स्टूडेंट है देख लीजिएगा। ठीक है, ये भी मैं न्यूज व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा। तो आज के इस वीडियो में तीन बड़ी खबरें आई थी जो कि मुझे लगा आप तक इन्फॉर्मेशन करना जरूरी है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन करा। इसी तरह की और भी बड़ी खबरें चलते तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।